मेरा नाम मुस्कान है। मेरा सवाल ये है कि 2014 से ही लोगों ने भारत जोड़ो फॉलो करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि वो नया ये लेकर आ रही है, लेकिन जब कांग्रेस सुनने में आया कि कांग्रेस नई आई है, कांग्रेस नई कैसे है? पहले वो आलू से सोना बनाती थी, अब वो आटे को लीटर में तोल रही है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि कैसे हम भरोसा कर ले उन? ठीक है, अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी किया ना, अभी बता दे। सबसे पहले तो बच्चों, व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी के आगे वो यूनिवर्सिटीज है जहाँ आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी इज्जत उनकी भी करिए। आलू सोना का जवाब सबसे पहले दूंगी। आलू डालो और सोना निकलेगा, ये भाषण मोदी जी ने दिया था, राहुल गांधी जी उसको कोट कर रहे थे, बीजेपी की आईटी सेल ने सेलेक्ट पोर्शन काटा और उसको वायरल कर दिया। असली भाषण मोदी जी ने दिया था, गुजरात में दिया था, आपकी जानकारी के लिए बता दें। मजा आया। पहला सवाल, पहली बात तो थोड़ा सा व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से आगे अपनी किताबों की इज्जत करिए। दूसरा, यहां पर एक बात बोली गई कि जेएनयू वाले तो तोड़ते ही रहते हैं। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी दोनों ही जेएनयू के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ही का अल्मा मैटर जेएनयू है। तो जो व्हाट्सएप पे आपको तोड़ने की बात बताई जाती है, उसके भी आगे थोड़ा देखिए। जेएनयू ने बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा किए हैं जिन्होंने इस देश का नाम बड़ा किया है, ऊंचा किया है। मेरा अपना मानना है कि ये दोनों लोग भी वहां के अच्छे स्कॉलर्स हैं, आज सार्वजनिक जीवन में है। जेएनयू का जिसने सवाल पूछा था, आपका जवाब ये है। यहां पर एक सवाल पूछा गया, मुझे लगता है रिद्धि ने शायद पूछा, कि जो रथ यात्रा निकाली थी अडवाणी जी ने, अडवाणी जी की रथ यात्रा और इस रथ यात्रा में बहुत अंतर है। ये जो रथ यात्रा से क्यों अंतर है वो मैं आपको समझा देती हूं। मेरा अपना मानना है, और अगर आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, आज महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, गुर्बत से लोगों का हौसला टूटा है। कल शाम को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें हम 130 से 132वें स्थान पर चले गए, नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश के नीचे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप लगातार स्लिप कर रहे हैं, तो आंकड़े तो नहीं झुठला सकते। तो लोगों का हौसला टूटा है। हिंदू मुसलमानों को, आदिवासियों को, दलितों को, राज्यों को आपस में, राज्यों को केंद्र से जिस तरह का मनमुटाव है, जिस तरह का लड़ाया जा रहा है, उससे लोगों का विश्वास टूटा और उसे जोड़ने की जरूरत है। एक मिनट, और इसलिए यह यात्रा अन्य किसी भी यात्रा से इसमें अंतर है। यहां पर एक सवाल पूछा गया, सुझाव दे दीजिए। सुझाव देने को हम बहुत तैयार हैं और हम हर बार सुझाव देते हैं, लेकिन 8 साल से झुनझुना बजाने तो मोदी जी भी नहीं सत्ता में बिठाए गए थे कि वो झुनझुना बजाएंगे और हम सुझाव देते रहे। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम कर देंगे, लेकिन सुझाव हमने लगातार दिए। हमने कहा था कि पैदल मजदूरों को मत चलाइए, हमने कहा था एकदम से लॉकडाउन लगाकर लोगों की आय खत्म हो जाएगी वो मत कीजिए, हमने कहा था चिलमिलाती धूप में लोग मरने लगेंगे मत चलाइए, लेकिन इन्होंने लाखों मजदूरों को चलाया। हमने कहा था कोविड के लिए प्रिपेयर रहिए, फरवरी में सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कहा था सुनामी आने वाली है, तब मोदी जी मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे और नमस्ते ट्रंप करा रहे थे, दीदियों दीदी कर रहे थे, जब वैक्सीन बनाना चाहिए था देश में। हमने सुझाव बहुत दिए, सुझाव सुनने वालों ने सुझाव नहीं सुने। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।